वेलकम स्टूडेंट्स, आज नेक्स्ट हमने अपनी वीडियो में डिस्कस करने हैं 2.5 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 से ऑनवर्ड। लास्ट वीडियो में हमने 2.5 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 और 3 डिस्कस किए थे। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है 2.5 एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहा हुआ है फाइंड द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है हमने उसमें डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। पार्ट वन में हमारे पास है कोस के रूट ऑफ 1+x ओवर 1+2x। अब यहाँ पे वेरिएबल्स के साथ साथ हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इंक्लूड हुए हैं, तो हम बेसिकली इसको एक सीक्वेंस से देखेंगे किस फंक्शन का डेरिवेटिव है, फिर एंगल में क्या चीज़ आ रही है उस एंगल के रिस्पेक्ट से अगेन डेरिवेटिव होगा और फिर हमारा dy ओवर dx निकलेगा। अब जब भी कभी हम डेरिवेटिव का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सबसे पहले हमारे पास प्रोसीजर में हमने जो भी इक्वेशन हमें दिया उसे y के इक्वल लेट करते हैं। अब हमने लेट कर लिया, हमारे पास y इक्वल है कोस के रूट ऑफ 1+x ओवर 1+2x। इसे कुछ भी लेट कर सकते हैं, y कर सकते हैं, z कर सकते हैं, t कर सकते हैं, बस x नहीं करना क्योंकि x ऑलरेडी यूज हो रहा है। अब जो भी वेरिएबल आपने लेट किया, लेट से यहाँ y लेट किया हुआ है, अब आपने उसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो बोथ साइड आप अप्लाई कर दोगे d ओवर dx। जब आप डेरिवेटिव अप्लाई कर दोगे ये बन जाएगा dy बाई dx। जब यहाँ पे डेरिवेटिव अप्लाई हुआ तो अब देखें कोस आ रहा है, कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो सबसे पहले कोस का डेरिवेटिव आ गया माइनस साइन इन, और जो ऊपर एंगल था वही वाला नीचे एंगल। अब देखें एंगल आपका x से चेंज आ रहा है, अगर यहाँ पे x होता फिर आ गया अगेन एंगल का डेरिवेटिव लेने की जरूरत नहीं थी, यहाँ x के अलावा एक और टर्म आ रही है इसलिए एंगल का अगेन डेरिवेटिव होगा। एंगल का अगेन डेरिवेटिव लोगे तो लिख दोगे d ओवर dx और अंदर वाला पूरे का पूरा एंगल। अब इस एंगल में देखें आपके पास यहाँ पे स्क्वायर रूट है, इसका मतलब होता है पावर इसकी 1/2 है। नेक्स्ट स्टेप में देखें पावर 1/2 अलग कर ली क्योंकि हम पावर को अलग कर सकते हैं। अब दो फंक्शन की डिवीजन आ रही है, जब भी दो फंक्शन की डिवीजन आ रही हो तो आपके पास कोशेंट रूल यूज होता है, तो यहाँ पे आप कोशेंट रूल अप्लाई करोगे डेरिवेटिव के लिए। कोशेंट रूल क्या होता है, नीचे वाले टर्म का स्क्वायर, नीचे वाले टर्म एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाली एज इट इज नीचे वाली का डेरिवेटिव, कोशेंट रूल से आपने लगा दिया। अब कोशेंट रूल लगाने के बाद नेक्स्ट देखें, जब कोशेंट रूल को मजीद सिंप्लीफाई करना है, मज़ीद सिंप्लीफाई करोगे तो आप देखें जो टर्म एज इट इज़ थी वो एज इट इज़। अब जब आपने यहाँ पे बच्चों ऊपर लेना है, इसको सॉल्व किया यहाँ पे आपने ऊपर जहाँ अगेन डेरिवेटिव लिया था, देखिए यहाँ दोनों जगह पावर आ रही है तो इसकी डेरिवेटिव में पावर लगना है, पावर नीचे पावर में से कम पावर के अंदर वाली चीज़ का डेरिवेटिव। नेक्स्ट स्टेप में वही किया हुआ है और यहाँ पे भी पावर लगना है, पावर नीचे पावर में से कम पावर के अंदर वाली चीज़ का डेरिवेटिव। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब नेक्स्ट आया तो यही किया हुआ, डेरिवेटिव लिया हुआ पावर नीचे पावर में से कम और अंदर वाली चीज़ का डेरिवेटिव, और सिमिलरली यहाँ पे किया हुआ है। करने के बाद आप ये देखें कि आपके पास ये वाली चीज़ माइनस साइन के साथ आ रही है, माइनस 1/2 ऊपर माइनस है, नीचे लेके जाएंगे प्लस 1/2 हो जाएगी और 1/2 को आप स्क्वायर रूट ऑफ एक्स लिख सकते हो। ये वाला तो जो आपके पास 1+2x था इसे बाहर लिख दिया आपने, अंदर वाली चीज़ को हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहे हैं। 1+2x की पावर 1/2 यानी 1/2 को स्क्वायर रूट लिख सकते हैं, ये एज इट इज़ आ गया डिवीजन में 2 एज इट इज़, ये पावर ऊपर माइनस में थी नीचे में जाके प्लस 1/2 हो गया और 1/2 को आप स्क्वायर रूट लिख सकते हो और ये 1 मल्टीप्लाई हो रहा है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे देखें 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 को स्टार्ट में लिख लिया है, ये 1/2 इसको स्क्वायर रूट लिख सकते हो, ये माइनस 1/2 है तो नीचे जाके प्लस 1/2 होके उसको स्क्वायर रूट लिख सकते हो। अब जब ये टर्म आ गई है तो देखिए हम नीचे दोनों के फैक्टर आ रहे हैं, कोई ना कोई हम इसका एलसीएम लेके इसे मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ 2 इसलिए कैंसिल नहीं किया, एलसीएम लेना है इसके साथ भी 2 इसके साथ भी है तो एक दफ़ा लिखा जाएगा। अब आपने एलसीएम लेना है 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1+x स्क्वायर रूट ऑफ 1+2x एज इट इज़ आया, एलसीएम लिया, जो टर्म होती है वो टर्म कैंसिल हो जाती है, जो दूसरी टर्म रिमेनिंग होती है उस ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई करते हो। यहाँ पे भी ये टर्म ऑलरेडी आ रही थी, स्क्वायर रूट ऑफ 1+x को जब ऊपर मल्टीप्लाई किया तो वो 1/2 पावर मिलकर 1 बन जाएगी, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव साइन भी अंदर मल्टीप्लाई होगा, जो टर्म कैंसिल हो रही है वो कैंसिल हो जाएगी और रिमेनिंग जो फैक्टर है वो आपका आंसर आ जाएगा। अब देखें यहाँ पे भी हमारे पास ये तो साइन के एंगल में आ रहा है लेकिन ये चीज़ उसके बाहर आ रही है, ये भी 1+2x है, ये भी 1+2x है, बेसिस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रही हो टर्म्स तो इनकी पावर आपस में ऐड हो जाती है, तो इसकी पावर 1 थी, इसकी पावर 1/2 थी, 1+1/2 का एलसीएम लेना है तो वहाँ पर आ जाएगा 3/2, तो ये आप लोग का आंसर आ जाएगा। इसके जो बाकी पार्ट्स हैं वो भी नेक्स्ट एज इट इज़ इसी तरह, जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन हमने किया वो कोस के था यहाँ साइन के साथ है, इसको भी एज इट इज़ सॉल्व करना है, वही प्रोसीजर होगा, या आप खुद करोगे कि वाई की इक्वल लेट कर लेना है, फिर वही चीज़ अगेन डेरिवेटिव लेना है तो डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पे वहाँ पे कोस है, यहाँ पे साइन है, साइन का डेरिवेटिव कोस इंटू एंगल एज इट इज़, अंदर वाली चीज़ का अगेन डेरिवेटिव, यहाँ पे भी पावर अलग अलग कर लेनी है, फिर डेरिवेटिव लेना है तो डिवीजन है, क्वेश्चन रूल लगेगा,
क्या आता है क्वेश्चन रूल, नीचे वाली चीज का स्क्वायर, नीचे वाली टर्म एज इट इज, ऊपर वाली का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाली एज इट इज, नीचे वाली का डेरिवेटिव। अगेन ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह यहाँ पावर्स आ रही हैं डेरिवेटिव के साथ, तो पावर लगेगा, पावर नीचे, पावर में से कम, पावर के अंदर वाली चीज का डेरिवेटिव। फिर वही चीज़ जो कॉमन आ रहा है कॉमन निकालना है, एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करना है, कैंसिलेशन करनी है, बेसिस सेम हो तो पावर ऐड होगी, ये टर्म बन जाएगी, ये एज इट इज आपके पास इसके फर्स्ट पार्ट की तरह आएगा। अब उसके बाद सेकंड पार्ट के बाद नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद के क्वेश्चन नंबर 5 को कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास ये चीज़ है जैसे क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर थी कि एक वेरिएबल दिया हुआ है उसे विद रिस्पेक्ट टू सेकंड वेरिएबल आप लोगों ने सॉल्व करना है।